साथियों नमस्कार, जय किसान। मैं आपका साथी राजा हेयर। आज हम लोग भाई वीरेंद्र सिंह हुंदल 44 GB के गांव में थे, उनके खेत से वीडियो है। मूंग की फसल की हालात ये देखिए आप, ये देखिए। बिना पानी के मूंग की फसल की हालात है। उगाव अच्छा था जब उगी थी, कुछ मौसम की मार थी उस टाइम भी, लेकिन ना तो नहर के अंदर पानी आया और ना ही जो है बरसात हुई। इस बार पूरे का पूरा खेत जो है नष्ट हो गया मूंग की फसल का। बीमा करवाया था इन्होंने, अभी उसकी कोई क्रॉप कटिंग वगैरह का कोई है नहीं आता पता, क्योंकि फसल बीमा का जो आपको सिस्टम लगभग सबको पता ही है। 5-6 बीघे, 4-5 बीघे इनकी फसल थी जो ख़राब हो गई। देखो उगाव अच्छा था, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन बरसात नहीं होने की वजह से कंप्लीट जो फसल है पूरी तरह से नष्ट हो गई। अब ये देखिए पूरा दूर तक खेत दिखाते हैं आपको, क्योंकि फसल बीमा जो है वो आम किसान को समझ नहीं आ सकता, बस यही दिक्कत है उसके अंदर। फसल बीमा के नाम पर बैंक वाले और ये जो बीमा कंपनियों वाले हैं, जब तो बीमा कटवाना है तब तो काट लेंगे, आपको कह के भी काट लेंगे। अभी तो क्या है, इन्होंने डिपेंडेबल भी कर दिया कि किसान चाहे तो कटा ले, नहीं तो नहीं कटाए। लेकिन फिर भी किसान इतना जागरूक नहीं है साथियों। कटाने के फसल बीमा कटाने के बाद जब बीमा देने की बारी होती है, तब ये जब क्रॉप कटिंग करते हैं, मेन दिक्कत आती है क्रॉप कटिंग के अंदर। जब ये क्रॉप कटिंग करते हैं तो ऐसे एरिया के अंदर कर लेते हैं, क्योंकि या तो फिर मान लो जिस भी बंदे का फसल बीमा हुआ है उस बंदे के खेत से सभी के खेतों से क्रॉप कटिंग हो, ताकि हिसाब लगाया जा सके कितना कितना नुकसान है। अब मान लो इनके खेत में नुकसान है, आज वीरेंद्र के हुंदल के खेत में नुकसान है, लेकिन पड़ोसी के खेत में नुकसान नहीं है, लेकिन इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि क्रॉप कटिंग जो होगी, जो जायज़ा लिया जाएगा नुकसान का, वो वीरेंद्र के खेत से लिया जाएगा नहीं, वो पड़ोसी के खेत से भी लिया जा सकता है। अगर उसके खेत में फसल अच्छी है तो उसी हिसाब से इसको भी बीमा नहीं मिलेगा, या फिर इसको भी इतना ही मिलेगा। तो साथियों बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस फसल बीमा के अंदर। क्रॉप कटिंग जो है उसका सिस्टम होना चाहिए, गणमान्य नागरिकों के सामने होने चाहिए, और तभी जाके किसान का कोई जो है भला हो सकता है।